हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे। मेरे भाइयों सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम मेरे भाइयों। तो आपको पता है कि कल हमारे साथ में क्या हुआ, जो संजीव भाई की हालत थी मेरे भाइयों वो ज्यादा खराब होने लगी। अब मेरे भाइयों ज्यादा तबीयत खराब होने लगी थी, इसकी वजह से हमने संजीव भाई को वहां पर भी मेरे भाइयों जो पापा नहीं था हमारे पास में इनके ऊपर छींटे मारकर मेरे भाइयों हमने थोड़ी देर के लिए इनको शांत करवा दिया मेरे भाइयों। लेकिन आज वो एक्टिविटी दिन में इनके साथ में फिर से होने लगी थी, तो आज हमने मौलवी साहब को बुलाया मेरे भाइयों। तो पीछे म्यूजिक की आवाज आ रही होगी मेरे भाइयों। आज आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है और मेरे भाइयों आज सांझी आटम भी है मेरे भाइयों। तो कल जो मक्की पट्टी का भी होगा कार्यक्रम वगैरह हमारे यहाँ पर, और मेरे भाइयों सभी को पता है कि बहुत बड़ा त्यौहार है। तो भाइयों जैसे पीछे म्यूजिक की भी आवाज आ रही है, तो कोई नहीं अब हम चलते हैं सीधे मेरे भाइयों क्योंकि तो मेरे भाइयों अब मौलवी साहब अंदर जो भी है मेरे भाइयों इनकी जो तिलावत है वगैरह चल रही है, और आज हम चाहेंगे मेरे भाइयों को संजीव भाई के अंदर से जो भी जो जिनकी आत्मा है मेरे भाइयों वो निकल जाए। तो अब हम सीधे जाते हैं रूम के अंदर क्योंकि मौलवी साहब कब के आए हुए हैं मेरे भाइयों, उनका टाइमिंग भी हम खराब नहीं करेंगे। जैसे कि मौलवी साहब ने भाइयों हमको बताया था कि बच्चे रात को 12 बजे से पहले पहले हमको ये करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ, गूगल टाइम फॉर इंडिया भारत में रात के 11:12 हो रहा है। तो मेरे भाई भारत में 11:12 हो रहा है, जैसे आपको गूगल टाइम भी बता दिया मेरे भाई। 12 बजे से पहले पहले हमको कैसे भी करके संजू भाई की हालत जो मेरे भाई खराब है, तो उसको मेरे भाई मौलवी साहब को हमको कैसे भी करके इनकी शरीर के अंदर से वो जिन्नत की आत्मा को निकालना बाहर पड़ेगा मेरे भाई। तब चलते सीधा रूम के अंदर, तब तक के लिए बाय। तो मेरे भाइयों हम आ गए मौलवी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे बाबा मैंने आपको बताया था ये बच्चा है और इस बच्चे के अंदर कोई जिन्नत की आत्मा आ गई है, जैसे मैंने आपको पूरा जिक्र किया था। मैंने आपको सुबह में जब आया था आपके उजरे में तो मैंने आपको बताया था ये बच्चा है, ये काम करता था मुंबई में। तो ये जब काम पर गया तो फ्लैट के अंदर रहता था, इससे पहले ये बाबा हमारे पास में काम करता था। तो एक बार हम जिम की आत्मा को कैद करने के लिए गए थे, वो अपने जाली वाले बाबा नहीं उन्होंने उनके साथ हम गए थे, बल्कि हम वहां पर 5-6 दिन पहले वीडियो बना रहे थे, लेकिन हम उनको साथ में लेकर गए थे। फिर क्या हुआ, इनको एक बार वो जिम की आत्मा लगी थी। तो अभी संजीव भाई ने जैसे बोला हमको कि इरफान भाई के मेरी उस टाइम से तबीयत खराब है, तो बाबा मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं मेरी वजह से बाबा कुछ इनको तकलीफ नहीं हो जाए। संजीव भाई आप एक काम कीजिए, आगे बच्चों को इधर लगा दीजिए। ये अल्ता भाई ये भी बता दीजिए बाबा ये किस काम के लिए चिराग है। अच्छा बता दीजिए चिराग है जो मतलब बाबा ने लगाई है। तो हजरत आप कुछ ना कुछ इस बच्चे का कीजिए, नहीं वरना ये बच्चा कहीं हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस पे जिम का असर बहुत ही मतलब कि कल हमने जो देखा हमारे होश उड़ गए, हम हमारे पास में कुछ बताने के लिए आपके अल्फाज नहीं है। अभी कोई ऐसी आत्मा होती तो हम वो चीज वो नहीं वो हरिद्वार वाले अब्दुल गफ्फार अगर ऐसी कोई आत्मा होती तो हम उनको भी बता देते, ताकि जिम की आत्मा तो हजरत इनका मतलब कि जिम का तो आप ही काम कर सकते हो। जब तक हमने लोगों से वगैरह आपके बारे में बहुत ही अच्छे सुना है कि हजरत अच्छा तामीद वगैरह भी करते हो, हजरत निकालने का भी काम करते, तो हजरत आज हम तकलीफ में है तो आप थोड़ी बहुत हमारी मदद करेंगे। ठीक है अगर बता ये मेरे भाइयों जो बाबा जो पानी छाट रहे हैं ये मेरे भाइयों पानी है और
ऐसे भी करके बाबा आज आप इस टीम को शांत करें। अगरबत्ती अगरबत्ती लाओ, अगरबत्ती लाओ जल्दी 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 कैसे बाबा बोल रहे वालेकुम सलाम हजरत। यही मुझे डर है, यही मुझे नाम है, नाम बताओ अपना, नाम बताओ, नाम बताओ अपना, मुझे तो सब पता है। नहीं जिसको आप नाम बताइए, मुझसे सुनना चाहता हूँ, नाम बताओ अपना। विपरीत नाम है, ये बाबा बहुत बड़ा विज्ञान की जैसे हमने नाम से तो नाम नाम से नाम बाबा मैंने जैसे सुना कि विपरीत बहुत ही खतरनाक जीव बाबा, कैसे भी करके ये बाबा शमी भाई उस टाइम जब हम वीडियो बनाने के लिए गए तो उस टाइम भी विपरीत ही आया था कि बाबा वही है। आप इनसे पूछिए बाबा, जैसे कि हम जब झुंझी पाए बाबा को लेकर गए थे वहाँ पे विपरीत को हमने कैद भी किया था, लेकिन लगता है उनसे कुछ भूल हुई कि उस टाइम कैद नहीं हुआ हमसे। एक दोबारा आ गया बाबा, एक बच्चे को कैसे भी लेकिन बाबा नहीं हो तो कुछ काबिल आता है, इस बच्चे से क्या चाहता है बता। लेके जाऊंगा इसको, लेके जाऊंगा इसको। घर वाले हजरत देख के बिल्कुल डर गए, घर वाले देख कर बिल्कुल डर गए हजरत कि इसके साथ में क्या होगा। लेके जाऊंगा इसको, अब उनको तो पता है हजरत कि जो जिन वगैरह होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं बाबा। और मैंने जैसे कि हजरत आपका नाम सुना कि हजरत का नाम बहुत ही आला है, और कैसे भी कहेंगे आप एक बच्चे को बचा लो, बस हमारे लिए वो बहुत खूब हो गया था। और बता क्यों आया इसके पीछे। मैं इसके पीछे नहीं आया, ये मेरे पीछे आया। ये कैसे यूज हो रहा है, इस चीज को लेकर आया, ये मेरे पास आया है। क्या क्या किया इसने, जो इसने गलती की है इसको पता है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कल बाबा बता रहे थे इसने इसने टॉयलेट किया उसी जगह पर जाकर जहाँ पर वो जिम का है, उसी जगह पर इसने टॉयलेट किया। बता मैं नहीं आया था इसके पास, ये आया था मेरे पास, इसको लेके जाऊंगा। हजरत अल्लाह सलाह के हमसे भी चुका मैंने, लेकिन इसके शरीर को छोड़ने का क्या लेगा, बोल बोल। कोई नहीं छुड़ा सकता इसके शरीर को, कोई नहीं छुड़ा सकता। बोल बोल बोल, कोई नहीं
क्योंकि ये आत्मा जो सिंह की आत्मा है जब आपको पता है कि सिर्फ थोड़े समय के लिए आती है और शरीर छोड़ देती है, वापस से तंग तंग करने के लिए सिंह भाई को रोज वापस आ जाती है इसके घर पर। अच्छा इतनी देश की मुझे तो बाबा आप कैसे भी करके बाबा अगर कल कुछ भी होता है तो उसको वापस बुलाएंगे, उसके बाद पूछेंगे क्या था। अच्छा आज इसमें जो हो गया है तो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको कहीं लेकर जला दें या कहीं लेकर इसको रचना दें, इसकी जो मांग होगी। अच्छा मांग इसकी जो पूरी पूरी करेंगे फिर इसको फ्री कर देगा, ये इसको गारा करना पड़ेगा जो भी होगा। तो हजरत कैसे भी करते हैं आपका थोड़ा कर्म कीजिए उन पर बच्चों पर, उसे पूछना पड़ेगा बच्चे। अच्छा उसको पूछे बताना पड़ेगा, वो बताएगा मतलब। हाँ उसको क्या चाहिए ठीक है जी, जैसा आप बोलो जैसे हम करने के लिए तैयार है। और मेरे भाइयों हजरत की रही बात तो हजरत वीडियो के अंदर ये नहीं आ सकते क्योंकि हजरत ने बोला है कि मेरे भाइयों जो भी आलिम लोग होते हैं मेरे भाइयों इनके ऊपर पर्दे पर्दे में रहते हैं मेरे भाइयों, पर्दे इनका जाहिर नहीं कर सकते हम, ये वीडियो वगैरह में नहीं आते क्योंकि इनका जो पर्दा है मेरे भाइयों ये पर्दा हट जाता है। तो हम इनकी इज्जत करते हैं मेरे भाइयों और हजरत को हम वीडियो के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन हजरत ने बोला है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा बाकी तुम्हारी वीडियो से मुझे दूर रखना। तो मैं हजरत की इज्जत करता हूँ और हजरत आपका मैं फेस एक बार मतलब कि आपका मतलब चेहरा तो मैं वीडियो के अंदर दिखाऊंगा भी नहीं, आप कैसे भी करके इस बच्चे को हो जाएगा। तो हजरत कल फिर वापस लाऊं इस बच्चे को जो तो मेरे भाइयों बहुत जरूरी है बच्चे के बाद नापाक इसलिए देना ज्यादा टाइम लेता नहीं। अच्छा अब इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा ठीक है जैसा आप बोलिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हजरत आपका अगर हम पर हाथ रहा तो हम इसको करवा देंगे कैसे। तो मेरे भाइयों जैसे हजरत बोल रहे हैं कि कल इसकी जो भी मतलब कि जिनकी मेरे भाइयों जो भी रहेगी डिमांड वो इसको पूरा करकर कैसे भी करके संजू भाई की जान हजरत बचा लेंगे। तब तक के लिए मेरे भाइयों आप वीडियो में बने रहो, जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि और जन्माष्टमी आप सभी को मुबारक, गुड नाइट।